सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं भाई फॉर्मूले फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। अब भाई वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वैसे कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं होता है अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालने का, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके दे रखे हैं, कुछ ऐसे टेक्निक दे रखे हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक। और यहाँ पे कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, कौन सी भाई टेक्निक सबसे अच्छी है, हमारा भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो हमें गाइड करता है। तो यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक में आपके भाई दो मेथड होते हैं, एक होता है भाई आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और दूसरा होता है आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अभी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की इन्वेंटरी होती है, एक होती है इन्वेंटरी नॉट इंटरचेंजेबल और दूसरी होती है इन्वेंटरी इंटरचेंजेबल। अब यहाँ पे इन्वेंटरी नॉट इंटरचेंजेबल ये भाई कौन सी टाइप की इन्वेंटरी होती है, तो यहाँ पे जो इन्वेंटरी नॉट इंटरचेंजेबल है, यहाँ पे बेसिकली वो आइटम्स आते हैं जो भाई बिल्कुल ही यूनिक टाइप के होते हैं, जहाँ पे हर आइटम बिल्कुल ही यूनिक होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो भी भाई आर्ट गैलरीज होती हैं, तो आर्ट गैलरीज के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं और जो पेंटिंग्स होती हैं, हर पेंटिंग अपने आप में बहुत ही यूनिक होती है, हर पेंटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और हर पेंटिंग का अलग अलग प्राइस होता है। ऐसे भाई जो भी बहुत एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, जो भाई बिल्कुल ही यूनिक टाइप की होती है, जिनकी डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल ही यूनिक होती है, जैसे कि जो विंटेज कार्स होती हैं, यहाँ पे अगर विंटेज कार्स हैं, विंटेज कार्स अगर आपकी इन्वेंट्री में हैं, तो आपकी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल है। ऐसे ही भाई जो भी एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं वो भी बिल्कुल यूनिक टाइप के होते हैं, उनका जो प्राइस होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री को पता करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब भाई अगर आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करते हो, यानी कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो करते हो, तो वहाँ पे भाई जो क्लोजिंग इन्वेंटरी होती है उसको बहुत ही आसान होता है उसकी वैल्यू निकालना। यहाँ पे भाई होता है क्या है, जो भी बारकोड होते हैं, बारकोड जो होते हैं उनको स्कैन किया जाता है। जैसे कि भाई यहाँ पे जो भी भाई एक्सपेंसिव कार्स हैं, अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंसिव कार हैं, हर यूनिक कार का भाई अलग अलग यहाँ पे सीरियल नंबर होगा। जैसे कि भाई पांच कार हैं और पांचों कार बिल्कुल ही यूनिक हैं, पांचों कार बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे पांचों कार का भाई अपना अलग अलग यूनिक सीरियल नंबर होगा। अब भाई कार आप जब खरीदते हो तो उसकी सीरियल नंबर जो होता है उसको रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद जब आप कार बेचते हो तो आप स्कैन करते हो, और स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिकली जिस भी सीरियल नंबर की आपने कार सेल करी है वहां पे रिकॉर्ड हो जाती है, और ऑटोमेटिकली आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता लग जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, जहाँ पे आप काउंटिंग करते हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मंथ के एंड में आप काउंट करोगे कि कितनी कार्स आपके पास बची हुई हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका जो भी टोटल स्टॉक होता है, टोटल स्टॉक सबसे पहले होता है, जो भी आपके मंथ के स्टार्टिंग में है टोटल स्टॉक होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है जिसको आप भाई काउंट करते हो, जिसको आप काउंट करते हो। फिर इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे कार सेल करी है उसकी आप कॉस्ट पता करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी इन्वेंट्री आपकी बिक गई है उसके भाई जो भी इनवॉइस हैं, जो आपने खरीदे थे, मतलब जो भी आपने कार्स खरीदी थी उनके उनके आपके पास भाई बिल्स होंगे, उनके आपके पास इनवॉइस होंगे, उस इनवॉइस से भाई आइडेंटिफाई करते हो भाई कौन से टाइप की कार, कौन सी यूनिक टाइप की कार है जो अपने आपने खरीदी थी, जो आपकी बिक गई है। तो यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट यहाँ पे पता कर देते हो और कॉस्ट यहाँ पे आप लिख देते हो, इसको आप माइनस कर देते हो, तो आपका यहाँ पे एंड में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाता है। ये होता है आपका इन्वेंट्रीज नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई इन्वेंट्रीज ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। यहाँ पे कौन से आइटम्स होते हैं, यहाँ पे वो आइटम्स होते हैं जो भाई बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं। जैसे कि भाई जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोका कोला की बॉटल होती हैं, यहाँ पे हर कोका कोला बिल्कुल ही सेम होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। तो यहाँ पे जो भी आपके सेम आइटम्स होते हैं, जो भी आपके आइडेंटिकल आइटम्स होते हैं, जो भाई एग्जैक्टली सेम होते हैं, यहाँ पे वो कवर होते हैं। तो यहाँ पे भाई आपके तीन मेथड दे रखे हैं, एक होता है आपका फीफो मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, AS2 जो है फीफो मेथड को प्रिस्क्राइब करता है। इसका दूसरा होता है आपका लीफो मेथड और तीसरा होता है आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब भाई बात करते हैं फीफो मेथड की। तो भाई फीफो मेथड में क्या होता है, फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया।
यहाँ पे भाई क्या होता है, जो भी आपका पुराना स्टॉक होता है, पुराना स्टॉक को आप सबसे पहले भाई निकालते हो, पुराना स्टॉक जो होता है उसको पहले बेचते हो, और भाई जो बाद का स्टॉक होता है उसको आप बाद में सेल करते हो। तो यहाँ पे भाई जैसे कि भाई जो भी आपके पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल आइटम जो भाई बहुत ही कम पीरियड में चलते हैं, जो भाई बहुत जल्दी एक्सपायर होते हैं, तो भाई यहाँ पे वो आइटम्स आते हैं जो भाई जिनकी कुछ एक्सपायरी डेट होती है, उनको आप क्या करते हो भाई सबसे पहले सेल करते हो। जैसे कि मान लो आपने आपने 10 दिन पहले आपने यहाँ पे 10 आइटम खरीदे, उसके बाद आप क्या करते हो, आज आप और आइटम्स खरीदते हो, तो यहाँ पे जो आपने 10 दिन पहले जो आइटम्स खरीदे थे सबसे पहले आप उनको बेचते हो, बाद में आप अपने नए वाले आइटम्स को बेचते हो। और यहाँ पे जो लीफो मेथड है, लीफो मेथड बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका बिल्कुल नया नवेला स्टॉक होता है उसको आप सबसे पहले बेचते हो। ये बहुत ही यहाँ पे इरेशनल अजम्पशन होती है। यहाँ पे भाई जो भी आपका नया नया आइटम्स होता है उसको आप सबसे पहले बेचते हो, और भाई जो भी आपका पुराना स्टॉक पड़ा हुआ होता है स्टॉक को आप बिल्कुल बाद में बेचते हो। तो यहाँ पे ये जो मेथड होता है भाई बहुत ही कम यूज होता है, AS2 होता है, AS2 भाई इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है। और इसके बाद आता है आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा फीफो मेथड क्या होता है, लीफो मेथड क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है। ये जो फीफो मेथड होता है, यहाँ पे भाई जो भी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे वो यूज होते हैं, और यहाँ पे जो भी पुराना स्टॉक होता है उसको सबसे पहले यूज किया जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं लीफो मेथड की, तो यहाँ पे जो भी नया नवेला स्टॉक होता है उसको भाई सबसे बाद में यूज करा जाता है। और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में ये होता है, जैसे कि मान लो आपने भाई रॉ मटेरियल परचेस किया दिसंबर 1 को, आपने 100 यूनिट्स परचेस करी, 50 रुपये की कितने की हो गई, 5000 की, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप दिसंबर 5 को आप और ख़रीदते हो, यहाँ पे आप 200 आइटम्स खरीदते हो, मान लो भाई 200 आइटम आप ख़रीदते हो यहाँ पे 40 रुपये के, तो भाई 8000 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी इन्वेंट्री आएगी, इन्वेंट्री कैसे आएगी, यहाँ पे आप टोटल करोगे सबसे पहले 300 और ये 8, 5, 13000, और यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा यही होगा आपका वेटेड एवरेज प्राइस। कितना आएगा भाई, 13000 डिवाइड बाई 300, 43.333, ये जो होगा ये होगा आपका वेटेड एवरेज प्राइस। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता लगेगा, ये जो 43.33 है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ है। तो भाई अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फीफो मेथड के, लीफो मेथड के, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, भाई आईसीए मेटल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद जितने भी मेथड्स होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो भाई क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर विच ही यूजेज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट्स। तो भाई ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यहाँ पे भाई वो कंडेंसर परचेस करता है, कंडेंसर उसका रॉ मटेरियल है जिसको भाई वो रेडियो सेट बनाने में यूज करता है। तो भाई यहाँ पे जो कंडेंसर है वो भाई किस डेट को परचेस किया है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है पर यूनिट का, वो सब दे रखा है, और यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ इशूज दे रखा है। अब भाई देखो, आपका एक भाई परचेज डिपार्टमेंट होता है बिजनेस के अंदर, और भाई एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो भाई परचेज डिपार्टमेंट जो होता है वो कंडेंसर को परचेज करता है, और भाई वो बाद में उसे इशू कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर वहाँ पे कंज्यूम होते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग रेडियोज, यानी कि जो भी आपके रेडियो सेट्स हैं उसके बाद फाइनली वो बनते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो, लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब यहाँ पे आपका जो फीफो मेथड होता है सबसे बेस्ट होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। लीफो जो होता है वो सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि लीफो जो है वहाँ पे बहुत ही इरेशनल अजम्पशन है। यहाँ पे भाई लीफो कहता है कि भाई जो भी नया नया आइटम है, जो भी आपके स्टॉक में भाई जो भी आपने बिल्कुल नया नवेला खरीदा है, सबसे पहले आप उसको इशू कर दो। तो जो लीफो होता है, लीफो भाई प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता है। अपने घर में भी सबसे ज़्यादा फीफो फॉलो किया जाता है। अपने घर में भी जैसे कि मम्मा कुछ लेके आती हैं, मम्मा अगर मान लो कप्स लेके आती हैं, तो भाई जो भी कप्स होते हैं, जो भी कप का सेट होता है, जो भी भाई पुराना वाला सेट होता है वो पहले यूज़ करा जाता है, और भाई जो भी नया वाला सेट होता है उसको भाई कहीं कोने में रख दिया जाता है, उसको भाई बाद में यूज़ करा जाता है। तो भाई इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और भाई यहाँ पे हम लोग जो सिंपल एवरेज मेथड है इसको भी देखेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे फीफो मेथड जो है वहाँ पे हम लोग दो तरीके से करेंगे,
ये जो फीफो मेथड है, फीफो मेथड में आपको भाई एक तो भाई यहाँ पे अगर भाई डेट वाइज डिटेल दे रखी है तो अलग तरीके से होगा, लेकिन अगर आपको ये जो डेट वाइज डिटेल दे रखी है, अगर भाई आपको डेट वाइज डिटेल नहीं दे रखी है तो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख देना फीफो मेथड में डेट वाइज डिटेल ऑफ यूनिट्स इशूड नॉट गिवेन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना दे रखा है, सिर्फ आपको इतना दे रखा है कि भाई टोटल 1600 यूनिट्स इशू हुई हैं दिसंबर के महीने में। यहाँ पे आपको ये जो डिटेल है, ये सारी डिटेल यहाँ पे नहीं दे रखी है। तो भाई हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। तो भाई एक तो भाई ये तरीका हो गया फीफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। फिर हम लोग फीफो मेथड जो है, अगर भाई आपको डेट वाइज डिटेल दे रखी है तो कैसे होगा वो यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना डेट रिसीट्स इश्यूज बैलेंस इन्वेंट्री, और यहाँ पे जो डेट है उसके नीचे भाई जो भी मंथ है वो आएगा, रिसीट्स के नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट, और ऐसे ही भाई इशूज और बैलेंस इन्वेंट्री के नीचे क्वांटिटी रेट अमाउंट ऐसे आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग स्टॉक लेजर बनाएंगे फीफो के हिसाब से, लीफो के हिसाब से और वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो भाई आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई आओ सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो भाई टोटल परचेजेस दे रखी हैं, उसमें से कितना इशू हो गया है टोटल दिसंबर के महीने में वो दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस कितनी होंगी भाई आपकी, टोटल परचेज कितनी है आपकी भाई 2600 यूनिट्स, 2600 यूनिट्स। इसमें से भाई कितनी इशू हो गई, उसके बाद जो भी भाई बैलेंस होगा वो बैलेंस आपकी क्या होगी, बैलेंस इन्वेंट्री होगी। इशू कितनी हुई है भाई 1600 यूनिट्स, तो बैलेंस इन्वेंट्री आपकी कितनी होगी 1000 यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी जो इशू हुआ है यहाँ पे, इशू हम लोग करेंगे भाई फीफो मेथड के हिसाब से। यहाँ पे भाई जो भी आपने कंडेंसर सबसे पहले परचेज करे थे वो सबसे पहले यूज होंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो भी दिसंबर 4 को भाई 900 यूनिट्स हैं सबसे पहले ये यूज होंगी, फिर यहाँ पे 400 यूनिट्स हैं वो यूज होंगी, 900 प्लस 400 यानी कि 1300, प्लस यहाँ पे जो भी दिसंबर 11 को आपने परचेज करी थी यानी कि जो आपने सबसे पहले परचेज करी थी वो आप यूज करोगे। 900 प्लस 400 प्लस 300 कितना आएगा, टोटल आएगा भाई 1600। तो यहाँ पे भाई आप यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, डेट क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। डेट यहाँ पे क्या क्या है भाई, दिसंबर 4, 10, 11, दिसंबर 4, 10, 11 कितनी क्वांटिटी है भाई, 900, 400, 300 टोटल कितनी हो गई भाई आपकी 600 यूनिट्स हो गई। रेट क्या दे रखा है भाई 50, 55, 55 कितना आया भाई 900 × 50, 45,000, 400 × 55 22,000, 300 × 55 16,500 प्लस 22,000 प्लस 45,000 83,500, ठीक है। अब बैलेंस इन्वेंट्री में भी ऐसे लिखेंगे, डेट क्वांटिटी रेट और अमाउंट। बैलेंस इन्वेंट्री आपकी कितनी बचती है भाई, दिसंबर 19, दिसंबर 28 क्या क्वांटिटी है भाई आपकी, 200, 800, 200, 800, 60, 47 12,000, 800 × 47, 800 × 47 37,600 टोटल कितना आ जाएगा आपका 49,600 जो है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो भाई बहुत ही सिंपल है, इसका जो सिंपल एवरेज मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी भाई यहाँ पे आपको रेट दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जितने भी ये आपको रेट दे रखे हैं, प्राइस पर यूनिट दे रखा है, इन सबका हम लोग टोटल करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्राइस पर यूनिट से यानी कि नंबर ऑफ प्राइसेस से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50 + 55 + 55 ये हो गया 50, 55, 55 60 + 47 + 60 + 47 डिवाइड कर देंगे भाई कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 5 हैं, 5 से डिवाइड कर दो,
कितना आएगा भाई, 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47, 267 डिवाइड बाई 5, 53.4। इसको भाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 53.4 जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक से। तो भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है, 2600 माइनस 1600। तो भाई 1000 इंटू 53.4 कितना आ जाएगा, रुपीज़ 53400। ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी सिंपल एवरेज मेथड से। तो यहाँ पे भाई जो आपका फीफो मेथड है वहाँ पे आपकी भाई 49600 आ रही है, यानी कि कम आ रही है, लेकिन आपको जो सिंपल एवरेज मेथड है वहाँ पे भाई ज़्यादा आ रही है। तो भाई जाहिर सी बात है फीफो मेथड है वहाँ पे आपका प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल एवरेज मेथड है क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इससे आपको जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आपका ज़्यादा आएगा। अब भाई अगर भाई डेट वाइज डिटेल दे रखी है तो क्वेश्चन कैसे होगा, हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो भी डेट वाइज आपको जो डाटा दे रखा है सबको आपको भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है, यानी कि आपको सारा कुछ डेट वाइज यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे सबसे पहली डेट कौन सी है, यहाँ पे सबसे पहली डेट है दिसंबर 4। तो यहाँ पे दिसंबर 4 की हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं, दिसंबर 4 क्या दे रखा है भाई, 900 यूनिट परचेस करी हैं 50 रुपये के हिसाब से, 50 के हिसाब से 45,000, बाकी में कुछ नहीं। बैलेंस इन्वेंट्री कितनी बची, 950,000, ठीक है, यहाँ पे बाकी आप लाइन खींच दोगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है आपका, दिसंबर 4 के बाद आता है आपका दिसंबर 5। दिसंबर 5 है, यूनिट्स इशू हुई हैं कितनी, 500 यूनिट इशू हुई हैं, ठीक है, दिसंबर 5 500 यूनिट आपकी इशू हुई हैं। और ये जो इशू हुई हैं ये भाई कौन सी इशू हुई हैं, जो 900 यूनिट आपने परचेस करी थी इसी में से आप इशू करोगे। तो भाई 500 इंटू 50 की रेट से, ठीक है, ये भाई 50 ये वाला लिया है हमने, और 900 में से हमने 500 भाई इशू कर दिए हैं, ठीक है। तो भाई कितना अमाउंट आ रहा है, 500 इंटू 50 25,000। बैलेंस कितना बचा, 9 में से 5 गया 400, 50 के हिसाब से 45 गया 20,000, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बची, ठीक है। इसके बाद भाई अगली डेट क्या है आपकी, दिसंबर 5 के बाद अगली डेट क्या है आपकी, दिसंबर 10। दिसंबर 10 को आपने परचेस किया है 455 के हिसाब से, दिसंबर 10 को 455 के हिसाब से आपने परचेस किया है, 55 × 400 कितना हो गया, 22,000। इशू भाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो आपका स्टॉक कितना बचा भाई, एक तो भाई देखो ये 55 वाला स्टॉक है आपका, दूसरा आपका 50 वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे आप दोनों लिखोगे, एक तो भाई आपका जो पुराना है 450 वाला कितना, 20,000 का, दूसरा आप लिखोगे 400 जो 55 वाला है कितना भाई, 22,000 का, और यहाँ पे आप ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है। इसके बाद अगली डेट क्या आती है भाई, दिसंबर 10 के बाद दिसंबर 11, 355 के हिसाब से, दिसंबर 11 355 के हिसाब से। अभी जो 55 वाली है, 55 वाली भाई एक जगह लिखेंगे, 50 वाली भाई अलग जगह लिखेंगे। 355 के हिसाब से भाई कितनी होगी, 300 × 55 16,500, ठीक है। अब यहाँ पे 400 जो 50 वाली हैं वो आपने लिख दी 20,000, और यहाँ पे जो 55 वाली हैं उनको ऐड कर देंगे, तो भाई 400 प्लस 300 700 हो जाएगा, 55 वाली 700 × 55 38,500, ठीक है, ये हो गया आपका। अगली डेट क्या है, दिसंबर 11 के बाद दिसंबर 19 आई आपकी, 200 यूनिट 60 के हिसाब से, दिसंबर 19 200 यूनिट 60 के हिसाब से 12,000, ठीक है। तो भाई ये आपकी अलग हो गई, 400 वाली 700 वाली, और ये आपकी होंगी 200 वाली, 50 55 और भाई 60, 12,000 20,000 38,500, ऐसे आप फिर लाइन खींच दोगे, ठीक है। अगली डेट क्या आती है, दिसंबर 19 के बाद
20। अब भाई आपने इशू करा है दिसंबर 20 को, तो दिसंबर 20 कितना इशू करे हैं, यूनिट्स कितनी इशू हुई हैं भाई, 600 यूनिट्स, 600 यूनिट भाई इशू कर देंगे। ठीक है, 600 यूनिट इशू करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 600 यूनिट्स हैं वो आप कैसे इशू करोगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। यहाँ पे सबसे पहले आप 400 यूनिट इशू करोगे जो आपने सबसे पहले खरीदी थी, उसके बाद जो 700 यूनिट्स हैं, 700 यूनिट्स में से आप 200 यूनिट्स भाई निकाल लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी 400 यूनिट हैं वो लोगे भाई, 50 वाली 20,000, ठीक है। उसके बाद 200 यूनिट्स आप लोगे, कितने वाली, 55 वाली, 200 इंटू 55 11,000, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है। तो भाई 400 यूनिट वाली जो जो आपकी 50 वाली थी वो तो आपकी सब बिक गई, 700 में से 200 गए, कितने बचे, 500, तो आपके 500 वाला बच गया यहाँ पे, 55 रेट वाला, 500 इंटू 55 कितना भाई, 27,500। और भाई ये 200 वाली 60 के हिसाब से 12,000, ठीक है। ऐसे भाई होता है ये क्वेश्चन। दिसंबर 20 के बाद अब कौन सी डेट आएगी, दिसंबर 20 के बाद आती है दिसंबर 28। यहाँ पे भाई परचेज हुई है 847 के हिसाब से, दिसंबर 28, पाँच सौ यूनिट्स हुई हैं, कितने के हिसाब से, नहीं 800 यूनिट हुई हैं 47 के हिसाब से, 47, 800 इंटू 47, 37600, ठीक है, 847 के हिसाब से। इशू भाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो भाई बैलेंस इन्वेंट्री कितनी बची, एक तो भाई आपकी 55 वाली आ जाएगी, 60 वाली आ जाएगी, और भाई आपकी एक 47 वाली आ जाएगी, 500, 200, 800, 27,500, 12,000, और ये कितना है, 37600। यहाँ पे फिर आप ऐसे लाइन खींच दोगे। अब दिसंबर 28 के बाद कौन सी डेट आती है, दिसंबर 29, भाई लास्ट है, 500 यूनिट इशू हुई हैं दिसंबर 29, दिसंबर 29 500 यूनिट इशू हुई हैं, तो भाई 500 जो हुई हैं वो 55 वाली हुई हैं सारी की सारी, 500 इंटू 55 27,500 इशू हो गई, तो बची कौन सी, 200 और 800 वाली, 60 47 12,000, 37600। तो भाई आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, यहाँ पे इसका टोटल कर दो, ये भाई आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको पता लग जाएगी, 200 800 1000 यूनिट्स आपके पास बची हुई हैं, और 12,000 प्लस 37600, 49600 है जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लीफो मेथड। लीफो में भाई बिल्कुल ही उल्टा होगा, यहाँ पे जो आपने लास्ट में जो आपने खरीदी होंगी उसको आप पहले यूज करोगे, उसको आप पहले इशू करोगे। तो देखते हैं कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन लीफो मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले दिसंबर 4 की एंट्री करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग भाई डेट वाइज चलते हैं, दिसंबर 4 कितनी भाई परचेज करी हैं, 900 भाई 50 के हिसाब से, 950 के हिसाब से 45,000, 950 के हिसाब से 45,000, ठीक है। अगली डेट क्या है भाई आपकी, दिसंबर 4 हो गई, दिसंबर 5 को इशू हुई है 500 यूनिट्स, दिसंबर 5 500 यूनिट्स आपकी इशू हुई हैं, 50 के हिसाब से इशू हुई होंगी, ठीक है। तो भाई 5 5 25,000, ठीक है, 9 में से 5 गया 400, 50 वाली 20,000, यहाँ पे फिर आप लाइन खींच दोगे। इसके बाद भाई अगली डेट कौन सी आती है दिसंबर 5 के बाद, दिसंबर 10 आती है 455 के हिसाब से, 455 के हिसाब से 400 इंटू 55 22,000, ठीक है। इशू भाई कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे 55 वाली अलग 50 वाली अलग लिखोगे, ठीक है। तो भाई 400 50 के हिसाब से 20,000, और भाई ये 455 वाली
22,000, ठीक है, ऐसे फिर आप लाइन खींच दोगे। इसके बाद दिसंबर 10 के बाद आती है आपकी दिसंबर 11, 355 वाली, दिसंबर 11 355 वाली, 300 × 55, 16,500, ठीक है, बाकी कहीं कुछ नहीं जाएगा। और ये 55 वाली भाई इकट्ठी लिख देंगे हम लोग, 450 वाली और 4,3 755 वाली, 20,000, और 700 × 55, 38,500, ठीक है, इसका अब हम टोटल कर देते हैं, टोटल नहीं करेंगे सॉरी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, दिसंबर 11 के बाद क्या आता है, दिसंबर 11 के बाद आता है आपका दिसंबर 19, यहाँ पे फिर से परचेज हुई है, दिसंबर 19 कितनी यूनिट्स परचेज करी है भाई, 260 के हिसाब से, 260 के हिसाब से 12,000, ठीक है, तो भाई 400 वाली आ गई, 700 वाली आ गई, 200 वाली आ गई, 55 वाली, 50 वाली, 55 वाली और 60 वाली, 20,000, 38,500, 12,000, ठीक है। इसके बाद अब कौन सी डेट आती है दिसंबर 19 के बाद, दिसंबर 20, 600 यूनिट इशू हुई हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, दिसंबर 20 600 यूनिट आपकी इशू हुई हैं। अभी जो 600 यूनिट है यहाँ पे हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करेंगे, यानी कि जो आपने रिसेंटली परचेस किया है सबसे पहले आप उसे यूज करोगे। तो यहाँ पे आपकी 600 में से भाई 200 यूनिट भाई आपकी ये चली जाएंगी, और उसके बाद 700 में से भाई 400 यूनिट आपकी भाई यहाँ से चली जाएंगी। तो यहाँ पे भाई हम लोग लिखेंगे 200 यूनिट्स जो भाई आपने रिसेंटली परचेस करी है, 60 रुपये के हिसाब से 12,000, और भाई बाकी भाई 400 यूनिट्स आपकी जाएंगी 55 वाली, 400 × 55, 22,000 बस। तो भाई यहाँ पे आपकी 200 वाली है वो चली गई हैं, 400 वाली आपकी बचती हैं 50 के हिसाब से 20,000, और 700 में से 400 चली गई, यानी कि 300 आपकी बच गई हैं 55 वाली, 300 × 55, 16,500, ठीक है, ऐसे भाई हो जाएगा आपका। अब भाई अगला भाई कौन सी डेट है दिसंबर 20 के बाद, दिसंबर 20 के बाद आती है दिसंबर 28, 800 यूनिट परचेज करी है 47 के हिसाब से, दिसंबर 28 800 यूनिट परचेज करी है 47 के हिसाब से, 800 × 47, 37,600, तो भाई यहाँ पे 47 वाली और आ जाएंगी, 50 55 47 400 300 800 20,000 16,500 और कितना, 37,600, ठीक है। दिसंबर 28 के बाद आती है आपकी दिसंबर 29, 500 यूनिट इशू करी हैं, दिसंबर 29 500 यूनिट इशू करी हैं, अभी 500 में से भाई जो 800 वाली हैं इसी में से आप निकाल लोगे, 500 × 47, 500 × 47, 23,500, ठीक है, तो भाई कितनी आपकी, 450 के हिसाब से 20,000 वाली बची हैं आपकी, 355 के हिसाब से 16,500 वाली बची हैं आपकी, ठीक है, और 800 में से 500 गया कितना बचा, 347 वाली, 300 × 47 कितना बचा भाई, 14,100, तो आपकी यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री भाई कितनी आएगी आपकी, 1,000, और 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, 50,600, तो यहाँ पे भी आपकी जो इन्वेंट्री है लीफो के हिसाब से वो भाई ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपका जो फीफो है फीफो में आपकी भाई कम आ रही थी, ठीक है। तो भाई ये तो आपका लीफो मेथड हो गया, 50,600 आ गया इससे आंसर। अब हम लोग करते हैं भाई वेटेड एवरेज मेथड, तो भाई यहाँ पे भी सबसे पहले आप जो डेट है पहली, भाई पहली डेट कौन सी, दिसंबर 4, उसको यूज़ करोगे, दिसंबर 4 900 यूनिट,
दिसंबर 4 900 यूनिट्स कितने के हिसाब से भाई, 50 के हिसाब से। ये जो क्वेश्चन है आपका सीए फाइनल में आ चुका है और यहाँ पे बस आपको मेहनत बहुत करनी होती है, लिखने वाली मेहनत बहुत है यहाँ पे, दिमाग भाई आपको कम लगाना होता है। 45,000 ठीक है, इसका भाई हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है, दिसंबर 4 के बाद आता है आपका दिसंबर 5, 500 यूनिट्स इशू करी हैं। दिसंबर 5 500 यूनिट्स आपने इशू करी हैं, 550 के हिसाब से 25,000 ठीक है, 9 में से 5 गया 400, और भाई यहाँ पे 445,000 माइनस 25,000 20,000 बची ठीक है, 50 के हिसाब से, यहाँ तो भाई सिंपल था। अब इसके बाद अगला डेट क्या है भाई आपका, दिसंबर 5 के बाद आता है आपका दिसंबर 10, 455 के हिसाब से, दिसंबर 10 455 के हिसाब से, 400 × 55 22,000 ठीक है, इशू भाई कुछ भी नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, 400 प्लस 400 800 हो गया, 20,000 प्लस 22,000 कितना हो गया, 42,000 हो गया, और यहाँ पे आप 42,000 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो कितना आएगा, 52.5। यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी दूंगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 800 ठीक है। तो भाई ऐसे आपका वेटेड एवरेज प्राइस आ जाता है, सिंपल भाई यहाँ पे क्लोज हो गया ये ठीक है। अगला क्या है, दिसंबर 10 के बाद, दिसंबर 10 के बाद आता है आपका दिसंबर 11, 300 यूनिट 55 के हिसाब से परचेज करी हैं, दिसंबर 11 300 यूनिट्स 55 के हिसाब से, 300 × 55 16,500 ठीक है, तो 800 प्लस 300 800 प्लस 300 1100 ठीक है, 16,500 प्लस 42,000 58,500 डिवाइडेड बाई 1100 कितना भाई, 53.18 ठीक है। इसके बाद कौन सी डेट आती है दिसंबर 11 के बाद, दिसंबर 11 के बाद आती है आपकी दिसंबर 19, 200 यूनिट 60 के हिसाब से, दिसंबर 19 200 यूनिट 60 के हिसाब से 12,000 ठीक है, 1100 प्लस 200 1300, उसके बाद 12,000 प्लस 58,500 70500 डिवाइडेड बाय 1300 कितना बचा भाई, 54.23 ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है दिसंबर 19 के बाद, दिसंबर 19 के बाद आता है आपका दिसंबर 20, 600 यूनिट इशू हुई हैं आपकी दिसंबर 20 को, 600 यूनिट इशू हुई हैं आपकी, कौन सा प्राइस लोगे भाई आप, 54.23 ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 600 × 54.23 32538 ठीक है। अब 1300 में से 600 माइनस कर दोगे, माइनस 600 700 बची हैं आपकी ठीक है, 70500 माइनस 32538 कितना बचा भाई, 37962 डिवाइडेड बाई 700 कितना बचा भाई आपका, 54.23 ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे ऐसे ठीक है। अब दिसंबर 20 के बाद आपका क्या आता है, दिसंबर 20 के बाद आता है आपका दिसंबर 28, 800 यूनिट 47 के हिसाब से, 800 × 47 37600 ठीक है। तो भाई यहाँ पे 700 प्लस 800 1500
37600 प्लस 37962 75562 डिवाइडेड बाय 1500 50.37 ठीक है। ये आपका दिसंबर 28 हो गया और भाई एंड में आपकी बचती है दिसंबर 29, 500 यूनिट इशू हुई हैं दिसंबर 29, 500 यूनिट्स भाई 50.37 के हिसाब से, तो भाई 500 × 50.37 25185, एक बार चेक कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 500 करके, हाँ सही है। तो भाई यहाँ पे 1500 में से 500 के भाई तो आपकी 1000 यूनिट्स बचेंगी, ठीक है। और यहाँ पे 75 कितना भाई 50.37 के हिसाब से बचेंगी, ये भी 50.37, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50.37 × 1000 आपका आंसर आ जाएगा 50370। तो यहाँ पे आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे आराम से आ जाएगी, ठीक है। 1000 यूनिट्स आएंगी आपकी, 50370 है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ये आपके हो गए वेटेड एवरेज, लीफो, फीफो और सिंपल एवरेज। और भाई आपका फीफो मेथड अगर भाई डेट वाइज डिटेल नहीं दे रखी है इशू की।